अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अरम भी बिल्कुल ठीक है, हम सब ठीक हैं। और शाम के 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, ऐसा ही है। और अयान और अरम के बाबा, ये इनका शोर सुने आप लोग। तो मुझे बनाने देनी। हाय शोर करो हाय, बस करो मेरी। हाय शोर करो, मेरे को खराब हो रही है, मेरे ब्लॉग खराब हो रहा, नहीं करो शोर करो। हाय हाय, मैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं ठीक है, चुप कर जाती हूँ, आप लोग शोर कर ले। और बाय भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ना बस ऐसे सेल में चल रहे थे दोनों, और अरे मेरे पास अचानक से आया तो इसलिए। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आटा गूंद रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखा हुआ है तो इसलिए। और दूसरा जो है ना, सालन बना रही हूँ मैं। आलू मूंगरे हैं, ये मूंगरा है ना उसकी सब्जी है। तो पंजाबी तो मूंगरी हम लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू ज़ुबान में इसको क्या बोला जाता है, यही बोलते हैं। तो बड़ी मज़े की बनती है ये सब्ज़ी ना। तो ये सिटी गए थे तो वहाँ से लेके आए। अरम अयान की 2 कमीज़ें थी, वो काज करवानी थी, और नलकियाँ लेनी थी जो इनका सूट मैंने स्टिच करना है, टफ चिप लेनी थी। तो वो सामान है वो मैंने खैर अभी देखा नहीं है, तो मैं अभी फ्री होती हूँ ना फिर देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। और अभी जो है ना, सलाद के लिए खीरे भी कटिंग करने हैं, वो कट करके रखती हूँ मैं। तो फिर जो है ना, बस एक रोटियाँ रह जाएंगी वो बनानी होंगी। तो शाम का टाइम तो बड़ी जल्दी भाग जाता है, बहुत जल्दी भागता है ना। ये देखें आराम से दोनों फिर रहे हैं। अरहम अरहम, आपने क्या खाया था? बाबा क्या लेके आए थे? अमरूद खाए हैं। आपने क्या खाया है? इसकी समझ नहीं लगती है अभी ना, बस अपनी जुबान में बातें करता है। और अरम के बाबा है ना, बस इनके 2-4 दिन गिनती की है। 4 तारीख को जाना है ना? हाँ 4 को ही चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर से लेके जाए। इनकी ड्यूटी है 5 को, इन्होंने ज्वाइनिंग देनी है। तो अभी जो है ना, बस जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। आज तो हमारा तकरीबन काफ़ी टाइम इस पे लग गया, इसको बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं बना नहीं पाती। लेकिन आज सारा क्रेडिट जाता है जी अरम के बाबा को। अरम के बाबा ने सारा काम किया, तो इन्होंने सब्जी बनाई है आज सारी। तो थैंक यू, हेलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अगेन थैंक यू। तो सारी सब्जी इन्होंने बनाई है। खीर माने मुझसे तो इतना होना भी नहीं था जितना इन्होंने किया है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऐसा काम, लेकिन इन्होंने किया है। ये देखेंगे, ये हमारे घर की रौनकें हैं माशाल्लाह, छोटी छोटी सी। प्यारा बेटा ये। तो मैं जल्दी जल्दी ना बस ये आटा गूंध दूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आए। मैंने खुद भी नहीं देखा, तो हम लोग मिल के देखते हैं सब। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उतनी देर में जो न्यू व्यूवर्स हैं ना, मेरे नए बहन भाई है चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है अगले बंदे की। वो अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता है, उसका जो है ना फोकस जो है अपने काम पे ज़्यादा रहता है। तो एक बंदा वहाँ पे रुक जाए ना, फिर उसका हौसला जो है कम पड़ना लग जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा काम करने का क्या फ़ायदा, शायद कि मेरी ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है, शायद वो इस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। लेकिन आप लोग अगर चैनल को अच्छे से ट्रीट करेंगे या सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके हो गया, तो मैं जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग देती हूँ। अरम खा रहा है जी स्लंटी, अयान भी खा रहा है, और अरम के बाबा जो है मैंने उनको काम पे लगा दिया है। ये सही है, काम पे लगा के आपने वीडियो बनाना शुरू कर। नहीं इसमें कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी हेल्प करवा देते हैं खुद ही मेरे कहे बगैर ही। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो में बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली बात कर रही है, ऑब्वियसली मैं सीरियसली बात कर रही हूँ कि माय हस्बैंड इज ग्रेट हस्बैंड।
बहुत हेल्पिंग है माशाल्लाह। ओ इतना मक्खन, ओ हो, ये तो देखना कौन सा मक्खन है, देसी घी वाला। देसी घी वाला नहीं, मैंने कोई मक्खन नहीं लगाया ना ही कोई देसी घी लगाया, मैंने सीरियस बात की है। ये मतलब ये नहीं, अब से नहीं, जब से शादी हुई है तब की बात कर रही हूँ। हाँ तब से मैं खाना बना रहा हूँ। नहीं खाना नहीं बना रहे, मतलब मेरी हेल्प करवाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे लिए आसानी हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं मेरे लिए बनाते हैं। इतना ना बोलो, लोग बोलेंगे राना मरीद हो गया। झूठे बाबा, देख रहे हो कैसे बातें करते हैं। हाँ कैसी बातें करते हैं बाबा। नहीं ऐसे नहीं कहते, तो ऐसे आप ना बोला करो। अच्छा ये मशीन बड़ी प्यारी है ये वाली। हाँ, इसे हाँ। कोई भी चीज़, आज मुझे उससे कटिंग करके दिखाएं खीरे। उससे काट लूंगा। हाँ। इसे के 3-4 फायदे हैं। ये निकल गया एक, ये ना एक दिन मेरे से निकल गया था ये वाला ब्लेड, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त, लेकिन वो ये कटिंग नहीं करता था ना सही, ये प्लास्टिक लगी, ये खराब हो गया, निकल गया था मेरे से हुआ था। आप कोई भी चीज जो है ना बड़े आराम से और बड़ी जल्दी आसानी से काट लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका फायदा बहुत ज्यादा है। क्या बात है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी काम होता है ऐसे। लेकिन सीरियस है, आलू वगैरह पील ऑफ करने हो या ये चीजें, बड़ा इजीली बंदा कर लेता है। पील ऑफ करने हो, छील ऑफ करने हो ना, ये पील ऑफ बोलते हैं इसको, छील ऑफ। इंग्लिश पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कोई नहीं, ये तो जनरली सबको आती है। नहीं, हमें तो नहीं आती। क्यों, आप जॉब करते हो, आपको नहीं पता? नहीं मैं तो शरीफ आदमी, मुझे इंग्लिश आती है। अच्छा जो इंग्लिश बोलते वो शरीफ नहीं होते है, वो शरीफ नहीं होते, कहने क्या क्या मतलब है, वो बहुत ही अच्छे इंसान होते। अच्छा चले मैं आपको कटर धो के ला के देती हूँ, फिर आप इससे कटिंग करने हैं। आए मैंने देखना है आपको इससे कर पाते कि नहीं कर पाते, ये वाला। वैसे मुझे इससे सलाद की कटिंग बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए ये देखना है कि ये कर पाते नहीं। मैंने आपके सामने उस दिन धोया था, किया था सारा काम खुद ही, इसलिए मैं सोची आज आप करो। ये लो बर्तन, प्लेट देती हूँ। हाँ देनी, प्लेट देनी है, खुद नहीं काटने आप। चले मैं काटती हूँ, पकड़े हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड को काम पे थोड़ी लगाना है, सारा काम करवा लिया है ये सारे। कौन सा सारा काम करवा लिया है, सारे मैंने बना दिए हैं, अब काटने वाले रह गए हैं, और लास्ट में ये काट के क्रेडिट ये ले जाएगी जी मैंने काटे। वाह क्या बात, चले काटे। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर की काटो इसे। कैसा? हाँ ये ले। हाँ जी, हाँ माँ खीरे काट के दे आया, एक मिनट सिर्फ। लीजिए जी, बंदा एक्सपर्ट निकला है। लास्ट में थोड़ा आराम से खाना बनवाना हो, रोटी बनवानी हो, खीरी कटवाने हो। अच्छा। बर्तन धुलवाने हो, बंदा काम का है। तनवीर भट्टी को याद कर ले। कैसे ही है? है आपको कोई बोले कि हमारे घर का काम कर दो, कर आओगे? खुशी से। अच्छा चले जी, आज के बाद आपने हमें कमेंट में बताना है किसके घर का काम बाकी। बर्दाश्त किसी और को नहीं होगा, ये देखने आप। है भी? हाँ। काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन बर्दाश्त किसी को नहीं होगा। ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, निशाना कहाँ पे जा रहा है बात का? बात ये कि आप कह रही है ना कि किसी ने काम करवाना हो तो। नहीं, आप जिस घर में जाएंगे वहाँ पे आपकी माएँ बहनें होंगी सारी, टेंशन ना ले आप। मैं कौन सा कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है, बड़े माशाल्लाह इनोसेंट है, आँख उठा के नहीं देखते किसी की तरफ। हाँ ये देखिए माशाल्लाह, बड़े प्यारे इक्वल से कटिंग हुए हैं, हम बड़े ज़बरदस्त हुए। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कलर वगैरह चेक करते हैं कितने आए, इसको रखते हैं फ्रिज में और चलते हैं। ये अरम के आए पड़े जी अमरूद। चले मैं जाती हूँ, फिर उसके बाद ना रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा। चलें जी, आपको दिखाती हूँ मैं
तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दिया, ये जनाब देख रहे थे मैच। तो अभी जो मैं दिखाती हूँ, ये जी मेरा मोबाइल, ये मैं आप लोगों को अक्सर बता रही होती थी कि टूट गया बेचारा, टूट गया। तो ये अयान ने ना, अरहम ने तोड़ा था। तो एक दफ़ा हम लोगों ने पैनल चेंज करवाया, उसके बाद जो है ना फिर दोबारा नहीं करवाया। एक बार क्या, दो बार हुआ है। तो सॉरी, ये देखें तो ये लड़का हर बार जो है ख़राबी कर देता है, इसलिए मैंने अब इसको चेंज नहीं करवाया। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, फिर न्यू ही लेंगे। तो अभी आप लोगों को देखते हैं, आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ कि सामान पूरा आया है या नहीं। ये ना हो कि सुबह मैं काम करूँ और फिर मुझे मुश्किल हो, तो इस तरह से ना फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये तो है सामान, और अरहम और अयान की ये दो कमीज़ें थी, इनको काय करवाया, ये मैंने सिलाई की। तो ये इंशाल्लाह इनको कल पहनाऊंगी मैं, फिर आप लोगों से शेयर भी करूंगी। मतलब मुझे बहुत शौक है मेरे बेटों के कपड़े सिलाई कर करके इनको पहनाने का, तो बड़े शौक़ से मैं ये करती हूँ। लेकिन टाइम की किल्लत होती है, बस बच्चे करने नहीं देते, बाकी अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शौक़ से करती, प्यार से करती हूँ। मेरे बेटे हैं प्यारे प्यारे से। अच्छा, ये दो नलकियाँ मंगवाई मैंने, चले, और ये पूरा हो गया। वैसे नलकी मैंने एक ही कहा था कि अगर बड़ी हो तो आप एक ले लीजिएगा, तो ये बड़ी ही थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गई, कोई मसला नहीं, फिर कभी काम आ जाएगी। ये दो कलर है, 15.5 ये मंगवाया था मैंने, ये देख लें 15.5 का साइज़ है, यही मंगवाया था, ये भी पूरा है। उसके बाद जी ये टफ चिप्स मंगवाई थी, बिल्कुल बढ़िया, माशाल्लाह से ये चीज़ें पूरी हैं। आज रात मैं क्या करूँगी, ये ना सारे कपड़े के साथ पेस्ट करके रख लूँगी, सुबह इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट करेंगी। चले अभी मैं ना निकालती हूँ वो सालन, देख के आती हूँ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और ये अम्मी की तरफ से आया था दलिया, तो ये बच्चों को खिलाऊँगी। अरम के बाबा अगर टेस्ट करना चाहें तो वेलकम। तो अभी जो है ये समेटते हैं, उसके बाद जल्दी काम ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों को ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो मगरब की अजान हो गई है, सारा सामान ला के रख दिया है, धनिया काट दिया है, ये घी है देसी, ये ऑयल है, ये आटा है, चिमटा है रोटी वाला, और ये मतलब आप लोगों को पता ही है सारा सामान है किचन का। और ये मैं अमरूद खा रही हूँ उस टाइम, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऊपर दाग है, लेकिन ठीक है, मज़ेदार है, मीठा है। दूध जो है मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, सालन तकरीबन बन गया है, लेकिन इन टाइम आके जनाब ने मेन्यू चेंज कर दिया है, वो कह रहे हैं कि मुझे पराठा खाना है। अब मुझे बताएं ज़रा इस टाइम पराठा कौन खाता है, कहते मुझे सालन लगा के दो रोटी में। अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे मर्जी उनकी खाएं। तो अरे हम आ गया फिर लेके, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, 3-4 दिन पहले अरम का फीडर जो निपल था ना, चूहा खा गया था, ऐसे था ये चूहा खा गया था, फिर इसका बाबा नया लेके आया रात को। हम लोग इतना हंस हंस के पागल हो गए ना, ये गर्म है हाथ जल जाएगा। ये पापड़ नहीं है, ये तो सालन है। तो आज ये माशाल्लाह से देखिए, ये दो अफराद है करके, और ये दो अफराद के खाने के लिए सब्जी है माशाल्लाह से। तो ये वैसे भी इनको बहुत पसंद है, इसलिए तो ये रोटी में लगाएंगे, पराठे में बनाएंगे, सुबह भी मुझे पता है सुबह भी बनेंगी। तो चले मैं इनको बना के देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, फिर इनसे खाने के बाद भी पूछेंगे इंशाल्लाह। अयान, चले जी ये मैंने सालन निकाल लिया है, और आलू जो है ना मैंने मैश कर लिया है चम्मच से। तो अभी जो है ना इसको रोटी में लगाते हैं, तो ये गर्म है थोड़ा सा, इसको ठंडा होने का वेट कर दी, मेरे हाथ जल जाएंगे इससे, बिल्कुल गर्म है। अभी मैंने देगची से निकाला है, तो ये देख लें, धुआं भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कैसे निकल रहा है, ये देखें आप लोग ना। और ये मैं ना अभी नीचे रख रही हूँ सामान। तो आटा जो है ना मैं सुबह का भी इस टाइम गूंद के रख लेती हूँ साथ ही,
क्योंकि अभी आप लोगों को पता है सर्दी है तो कोई खदशा नहीं है, फ्रिज में पड़ा होता है। तो सुबह सुबह जो है ना उठ के घूमना बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, फिर आप लोगों को पता है कि रेस्ट भी देना होता है आटे को, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, फिर इमरजेंसी में बनाना पड़े तो फिर रोटी नहीं सही बनती। चले जी तवे के नीचे हल्के से ना ऐसे मैंने आग बिल्कुल लो फ्लेम पे है, तो अभी मैं इसको ना बनाती हूँ तवे पे डाल के आप लोगों को फिर ज्वाइन करती हूँ। ये ले जी एक पेड़ा ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर सालन लगाऊंगी और उसके ऊपर जो है ना ये मैं पेड़ा आटे वाला ना वैसे रख के उसको कवर करके फिर इसकी रोटी बना के तवे पे डाल दूँगी। लीजिए जी इसके ऊपर रख दिया है मैंने सालन और थोड़ा सा देसी घी, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, फिर बाद में दिखाया नहीं जाएगा, मेरा एक हाथ से कैमरा पकड़ना और फिर व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, तो आपके भाई जो हैं वो बच्चों को लेके संभाल रहे हैं तो वो बच्चे भी तंग करते हैं। चलें ये हो गया, इसकी रोटी बनाते हैं। लीजिए जी हो गया ये पराठा तैयार, तो अभी जो है ना अभी इसकी पकने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उसको उतारते हैं और फाइनल लुक जो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। जी देसी घी का पराठा तैयार हो गया, यकीन मानी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इससे देसी घी की ना, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लेकिन मैं इस टाइम जो है ना आप लोगों को पता है रात हो गई है बाहर, तो रात के टाइम जो है ना इतना हैवी फूड खाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन खैर दिल की बात है, उनका दिल कर रहा है तो मुझे बना के देना चाहिए। वैसे भी दो चार दिन हैं घर पर और बाहर का तो आप लोगों को पता है क्या हाल होता है खाने पीने का। चलिए मैं काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं व्लॉगिंग पे लगी रही ना तो मेरा काम नहीं ख़त्म होगा। चले जी कमरे का बुरा हाल, अरम के बाबा जिम्मेदार जिम्मेदार अरम के बाबा, और खाना हम लोगों ने बना लिया, बड़ा हैवी किस्म का बना है, नाश्ता इसे लोग कहते हैं जिसे हम डिनर करने लगे। चले जी मेक श्योर कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा रोज़ की तरह, और आप लोग लाइक देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। हाँ जी आप लोग आप जल्दी से खा के बताएं कैसा बना है, मैंने ऑडियंस से कहा था हमारी व्यूवर्स से कि आप लोगों को चेक करके बताएंगे कैसे पराठा बना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, चेक करके बताएं। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, शुरू करते हैं हम इकट्ठे। चलो ठीक है करें, आप लोगों को फाइनल लुक तो मैंने दिखाई लेकिन फिर देख लें। ये छोटी वाली रोटी है ना ये अरे हमारा यान की है, तो ये मसाले वाली रोटी नहीं खाते हैं मिर्ची वाली, इसलिए इन लोगों के लिए अलग से छोटी सी रोटी बनाई है। देखें तो ये वाला सालन हमें सेपरेट से चाहिए होता है, साथ हम लोग रोटी में भी लगा लेते हैं और सेपरेट में भी खाते हैं। यान नीचे खड़ा हुआ है और ये ग्लास है पानी है, बस ये सिंपल सा हमारा खाना है, अभी खाएँगे और आप ये जल्दी बताएं तोड़ के खा के। ये किधर गया, किधर कर दिया आपने ये तो ये। हाँ खा के दिखाएं। ईमानदारी से सच्ची सच्ची बात करनी है। अच्छा बना माशाल्लाह। चले माशाल्लाह इनको अच्छा लगा, पसंद आ गया। डबल लेयर्स डबल लेयर्स, उसके अंदर आलू शालू, और वो मैंने फरमाइश की थी कि मुझे बना दो, असल में खाना तो नाश्ते में चाहिए
चले कोई बात नहीं, अपनी मर्जी की बात, अपनी ख्वाहिश की बात होती है। मेक श्योर आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, लगी हो तो खाने को ज्वाइन करें। हाँ जी बिल्कुल करें, और साथ जो है ना बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि इससे लेटेस्ट जो वीडियोज़ है ना आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है। तो इजाज़त दे मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जी देखिए अरम भी कह रहा है अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चले जी बाय बाय।